Hey you guys, welcome back to my channel and in today's video I am going to share with you guys winter essentials, वो products जो आपको आपके skin care and आपके hair care में important है in winters. So yeah, let's get started. सबसे first product जो मैं आपको recommend करूंगी वो है एक face wash और एक cleanser. So मैं आपको recommend करूंगी ये the face shop का herb day foaming cleanser in the variant acerola. नो मैटर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, ये हर एक स्किन टाइप को सूट करेगा. ये आपके फेस को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है. फेस वॉश करने के बाद भी आपको आपके स्किन में वो मॉइस्चर फील होगा. सेकेंड एसेंशियल प्रोडक्ट है एक मॉइस्चराइजर. सो मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये द फेस शॉप का चिया सीड हाइड्रो लोशन. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ये बहुत अच्छे से आपके स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होता एंड इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. इसमें आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है जो बहुत दिनों तक आपको लास्ट करेगी. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है टोनर्स. मेरे पास दो टोनर है. फर्स्ट है ये डर्माफिक का टोनर, दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप एंड सेकेंड है ये द फेस शॉप का चिया सीड हाइड्रो टोनर. ये भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है. विंटर्स में स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड हाइड्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपको टोनर्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है एक फेशियल सीरम या फिर एक इमल्शन. सो मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये द फेस शॉप का राइस सिरामिड मॉइस्चराइजिंग इमल्शन. अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है देन आपको सीरम्स तो यूज करने ही चाहिए. ये बहुत अच्छे से आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड साथ ही हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. आई नो इसकी भी प्राइस ज़्यादा है बट फेस शॉप के प्रोडक्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट वो बहुत दिनों तक आपको लास्ट करते हैं. सो अगर आप एक अच्छे स्किन केयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप द फेस शॉप के प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो. देन अगेन एक मॉइस्चराइजर जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है ये क्लिनिक की मॉइस्चर सर्ज. इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ये आपके स्किन पर बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होती. ऑल्सो दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है एंड आपको हैवी क्रीम्स लगाना नहीं पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. ये बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होती एंड ये बहुत अच्छे से आपके स्किन को मॉइस्चराइज करती है. बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि विंटर्स के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर कौन सा है देन मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगी ये फेस शॉप का ओवर द क्लिनिक वन. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है एक सनस्क्रीन. ये है VLCC की डिटेन सनस्क्रीन जेल क्रेम इन SPF 50. आई नो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सनस्क्रीन विंटर्स में क्यों रेकमेंड कर रही हूँ. सनस्क्रीन का काम सिर्फ यूवी रेस को प्रोटेक्ट करना नहीं होता है बट वो आपके स्किन डैमेज को भी रिपेयर करता है. आपके स्किन पे चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो सनस्क्रीन उसे रिपेयर करने में हेल्प करता है. सो सनस्क्रीन आपको हर एक सीजन में अप्लाई करना ज़रूरी है. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है एक लिप बाम. ये है वादी हर्बल्स की लिप बाम. इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक है सो ये बहुत अच्छे से आपके चैपे लिप्स को रिपेयर करता है, ड्राई लिप्स को रिपेयर करता है एंड दीज डिटेल्स फॉर ओनली ₹58 एंड इसमें आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है. एंड विंटर्स में तो लिप बाम्स एसेंशियल है ही क्योंकि लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई चैपी फील होते हैं. देन अगेन एक प्रोडक्ट जो मैं आपको लिप्स के लिए रेकमेंड करूंगी वो है ये बेयर बॉडी का लिप स्क्रब. जैसे हम फेस को स्क्रब करते हैं ताकि डेड स्किन रिमूव हो जाए वैसे ही लिप्स को भी स्क्रब करना एसेंशियल है ताकि लिप्स जो ड्राई लिप्स है, चैपी लिप्स है वो रिमूव हो. सो उसके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है. ऑल्सो अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स है तो ये पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करेगा. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है बॉडी लोशंस. विंटर्स में बॉडी लोशंस बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है सो मैं आपको ये दो बॉडी लोशंस रेकमेंड करूंगी. फर्स्ट है ये मामा अर्थ का कोको बॉडी लोशन एंड सेकेंड है ये निविया का कोकोआ नरिश बॉडी लोशन. दोनों ही कोको वेरियंट में है. मुझे चॉकलेट की फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट एंड कॉफ़ी की. सो डेफिनेटली मैं दोनों आपको रेकमेंड करूंगी. दोनों बहुत ही अच्छे से आपके बॉडी को मॉइस्चराइज करते हैं. दोनों की फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है सो आप कोई भी परचेज कर सकते हो.
देन नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है ऑफकोर्स एक डिओड्रेंट, ये है निविया डिओ मिल्क डिओड्रेंट फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप। इट कंटेन 0% एल्कोहल। मैं डिओड्रेंट्स हमेशा ही अप्लाई करती हूँ, मेरे लिए फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग डिओड्रेंट चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस। इसमें और दूसरे भी वेरियंट्स अवेलेबल है, मुझे ये वाला भी पसंद आया। मैंने मैक्सिमम निविया के डिओड्रेंट्स ट्राई किए हैं सो मुझे तो सारे ही पसंद है। देन हेयर केयर के लिए जो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट आपको रेकमेंड करूंगी वो है ये प्लम ऑलिव एंड मैकेडेमिया मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि विंटर्स में उनके हेयर्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, सो मैं उन्हें ये रेकमेंड करूंगी। ये ड्राई हेयर्स के लिए बेस्ट हेयर मास्क है। इसे आप शैम्पू से पहले अप्लाई कीजिए एंड देन इसे सिर्फ शैम्पू की हेल्प से वॉश कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से आपके स्किन को मॉइस्चराइज कर देगा। अगर आपके ड्राई स्किन है, सॉरी ड्राई स्किन बोल रही, अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं तो ये बहुत अच्छे से आपके हेयर्स को मॉइस्चराइज कर देगा। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट्स जो मैं आपको शैम्पू एंड कंडीशनर के लिए रेकमेंड करूंगी वो है ये हर्बल एसेंसेस के शैम्पू एंड कंडीशनर। ये शैम्पू दिस इज इन द वेरिएंट आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को। ये कंडीशनर है। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उनको एक शैम्पू एंड कंडीशनर चाहिए जो उनके ड्राई हेयर्स के लिए सूटेबल हो या फिर उनके हेयर्स केमिकल ट्रीटेड है, सो वो कौन से शैम्पू एंड कंडीशनर्स यूज़ करें। तो मैं डेफिनेटली आपको हर्बल एसेंसेस के शैम्पू एंड कंडीशनर रेकमेंड करूंगी। अगर आपके ड्राई हेयर्स है देन आप इसे परचेस कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से आपके हेयर्स को मॉइस्चराइज करता है एंड अगर आपके केमिकली ट्रीटेड हेयर्स है तो आप तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स प्रेजेंट नहीं है। देन नेक्स्ट हेयर केयर प्रोडक्ट जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है एक हेयर सीरम। ये है लॉरियल एक्सटेंसो का हेयर सीरम। अगर आपके हेयर्स केमिकली ट्रीटेड है देन आप इस सीरम को अप्लाई कर सकते हो। ये सल्फेट फ्री है, आपके हेयर्स को बहुत अच्छे से स्मूथ बना देता है, कोई भी टैंगल्स नहीं रखता, डीटैंगल कर देता है। देन लास्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको हेयर्स के लिए रेकमेंड करूंगी वो है ये पैंटीन का प्रोबी ओपन हेयर मिरेकल ऑयल रिप्लेसमेंट। यहाँ पे लिखा है आप इसे ऑयल रिप्लेसमेंट की तरह यूज कर सकते हो, सिरम की तरह यूज कर सकते हो, कंडीशनर की तरह या फिर हीट प्रोटेक्टेंट की तरह। मैं इसे एज अ सिरम की तरह यूज करती हूँ। जब मैं मेरे हेयर वॉश कर लेती हूँ शैम्पू एंड कंडीशनर से देन मैं इसे अप्लाई करती हूँ आफ्टर द सिरम लॉरियल पेरिस। इसे मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने हेयर्स पर अप्लाई करती हूँ। आप इसे हीट प्रोटेक्टेंट की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस डिटेल्स फॉर ओनली 190 रुपीज एंड इसमें आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है एंड इसे आप एज अ हीट प्रोटेक्टेंट, एज अ कंडीशनर, एज अ सीरम कैसे भी यूज कर सकते हो। सो डेफिनेटली ड्राई हेयर्स के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी, बहुत अच्छे से आपके हेयर्स को स्मूथ बना देता है। ऑल्सो आप फेशियल मास्क शीट्स भी ट्राई कर सकते हो। टोनी मोली की मास्क शीट्स बहुत अच्छी है, फेस शॉप की है, गार्नियर की है, अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है बट मैं आपको वो भी रेकमेंड करूंगी। So yeah, those were all the products which are essential for winters. I hope you guys enjoyed watching this. Also like this video and subscribe to my channel. Bell button पर भी hit कर देना। नीचे comment करके जरूर बताना कि आपको ये video कैसा लगा है। Also happy new year guys. Bye.